बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान तो गुजर गया, लेकिन अपना निशान यहाँ पर छोड़ गया। बढ़रवा प्रखंड में पाकुड़ बढ़रवा मुख्य पथ पर महाराजपुर के पास पानी में डूबा हुआ है पूरा सड़क। लोग जान जोखिम में डालकर वहाँ से पास कर रहे हैं। प्रशासन बेखबर है इस मामले में। स्थानीय लोगों का कहना है कि एकमात्र सड़क होने के कारण वे लोग इस सड़क होकर गुजरने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन की गाड़ियां गुजरती हैं लेकिन किसी को मना नहीं किया जा सकता। आप भी देख सकते हैं वीडियो में, गाड़ी डूब डूब कर किसी तरह वहां से पास कर रही है। जान जोखिम में डालकर लोग सफ़र करने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि याद तूफान के प्रभाव से साहेबगंज जिले में अब तक की सर्वाधिक वर्षा हुई है। मई माह में सर्वाधिक वर्षा का रिपोर्ट किया गया है। इस वर्ष मई माह में साहेबगंज जिला मुख्यालय में जहां 200 से ज़्यादा मिलीमीटर की बारिश हुई है, वहीं अन्य प्रखंडों में भी जमकर वर्षा हुई है। लगातार बारिश एवं तूफान से हुई तेज बारिश से कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अभी भी वहां पर इसके निशान देखे जा सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, सरकारी पदाधिकारी का गाड़ी भी पाकुड़ मुख्य सड़क से गुजर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार इस सड़क पर हादसा हो चुका है। पिछले वर्ष भी इसी तरह हादसा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ जो इस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, सड़क पर पानी आया हुआ है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ लोगों को? सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि आदमी का आना जाना जो है पूरा दिक्कत हो रहा है। वहाँ से जो हम लोग का जो असुविधा जो यहाँ हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। और यहाँ तक कि नहीं, यहाँ पानी एक एक कमर पानी रहता है, यहाँ एक एक कमर पानी रहता है। अभी तक सुविधा मतलब कि किसी का हेल्प नहीं आया, प्रशासन अभी तक नहीं आया यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया, कोई प्रशासन नहीं आया है। तो इस तरह से जब गाड़ी जब पार हो रहा है तो यह कोई दुर्घटना नहीं घटा अभी तक? दुर्घटना घटा है यहाँ पर, दो बार दुर्घटना घटा है, यहाँ आदमी मरा है। छोटा ब्रिज है यहाँ पर, बड़ा ब्रिज होना चाहिए, ब्रिज बड़ा होना चाहिए। यहाँ यह बताना लाजमी है कि यह एरिया आलमगीर साहब आलम का है, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार में, और हर वर्ष यहाँ बाढ़ से यह एरिया डूबता है। खासकर यह सड़क इस क्षेत्र पर हमेशा डूबते रहता है। हादसों को आमंत्रण देने वाले इस जगह पर ना ही प्रशासन की कोई चेतावनी लगी है, ना ही किसी को रोक टोक है, जिससे हादसे का हमेशा अंदेशा बना रहता है। यहाँ बाढ़ का पानी हम अपने चारों तरफ से देख रहे हैं, तो कहाँ कहाँ तक प्रभावित है ये? ये प्रभावित मतलब के बिशनपुर पंचायत, उसके बाद हसीपुरा पंचायत, मधुपुरा पंचायत, महाराजपुर पंचायत, आहुत ग्राम पंचायत, इधर से होते हुए चला जाता है बिंदुपुरा पंचायत, ये पूरा प्रभावित होता है। और इसमें ये लगातार चलते जा रहा है, विगत साल ये प्रभावित रहा। और ये जो मेन सड़क है, ये बढ़रवा टू पाकुड़ लिंक रोड है, इसमें आदमी अपने जान को जोखिम देते हुए पार हो रहा है। बरसात एक घटना भी हुआ है, एक आदमी का यहाँ मृत्यु हो चुका था। बाढ़ से यहाँ आसपास में क्या क्या नुकसान हो रहा है? आसपास से ये एक नंबर का अभी जो मेन फसल सब्जी है, सब्जी में ये है भिंडी है, बैंगन है, परवल है, ये सारा तबाह हो गया। कद्दू है, झींगा है, ये पूरा तबाह हो गया। आने वाला अभी अब बीज खेतने का समय है, ये भी समय बर्बाद हो गया। किसान कैसे खेती करेगा, इसके लिए भी सर पटक रहा है। देख रहे हैं यहाँ हर साल इस तरह से बाढ़ आता है, प्रत्येक साल आता है, तबाही मचा करके जाता है, आपका फसल हर साल कहीं ना कहीं नुकसान होता है। क्या सरकार अब तक कोई मुआवजा या फिर कुछ तरह का राहत का व्यवस्था भी किया है सर जनता के लिए? अब तक राहत का कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल हम लोग अभी मौजूद हैं बढ़रवा पाकुड़ सड़क पर, जहां गुमानी नदी का पानी कोहराम मचाया हुआ है। चारों तरफ आप दृश्य देख सकते हैं, पूरी तरह से जलमग्न है।
पानी नदी से निकलकर गांव और खेतों की तरफ प्रवेश कर गया है और अभी फिलहाल बरहरवा पाकुड़ मुख्य पथ जो है पानी में डूबा हुआ है, जहां लोग आवागमन जान हथेली पर लेकर कर रहे हैं। उसी बीच हम बात करेंगे यहां स्थानीय से, क्या क्या समस्या है सर? क्या समस्या है मेरे साथ? व्यक्तिगत समस्या ये है कि हम उस वक्त जो है बरहरवा जाने वाले थे लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन इतना पानी है तो हम अपना इरादा बदल लिए हैं और जाने का मन नहीं है। कितने दिनों से बाढ़ का पानी यहाँ जमा हुआ है? ये तो समझिए कि कल थोड़ा बहुत था लेकिन आज पूरा एकदम बेचैनी में है लोग, पूरा भरा हुआ पानी है आसपास। आगमन आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया सड़क पर? पूरी तरह से तो नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर कुछ लोग जा रहे हैं जान को जोखिम में डाल के, लेकिन एक प्रकार से लोग परेशान हैं। जहाँ हम दृश्य देख पा रहे हैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है खेतों में, खलिहानों में, घर उर में देखें तो क्या बहुत सारी समस्या, क्या क्या आपको समस्या आ रहा है वहाँ गांव से में? सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जो है ना बहुत लोग जो है ना छोटे किसान जो लोग हैं वो लोग बरसाती भिंडी लगाए थे और साग वगैरह का फसल था तो, और मतलब कि सिंचाई मतलब कि बहुत सारे लोग जो हल चलाए थे वो सब सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा एक तरह से, तो छोटे किसान को इस बाढ़ में जो है ना सबसे ज़्यादा तबाही मचाया है।